नमस्कार अर्गस अपडेट को आपन को स्वागत करू छी मु स्मृति लग्ना संपूर्ण खबर जानिबा किंतु प्रथमे नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे बलांगीर एक्शन मुड रे विजिलेंस आय बर्भूत संपत्ति ठुल अभियोग रे पीओ को घरे चढ़ाओ सपटे विजिलेंस चाल रे लाठोर केंद्र समवाय समिति शाखा परिचालक मयूरभंज में मातिले हाथी दुधियाणी रेंज कुंजिया गांव में 23 टिकिया हाथी पल घोड़ाइबारे वन विभाग विफल प्रतिवाद रे ग्रामवासी रास्तारो भारतीय सुरक्षा एजेंसी को सफलता धरा पड़ा खलिस्तान आतंकवादी सुख बिक्री वाल दुबई अणागला भारत खलिस्तानी लिंक और पंजाब अनेक हिंसाकांड पचराउचरा गच्छरे झुलुचि प्रेमी जुगलों मृतदेह मालकानगिरी जबरदस्त कॉलोनी पाख गच्छर युवक युवती शव उद्धार हत्या ना आत्महत्या कारण अस्पष्ट घटनास्थल में पुलिस छानबीन केन्दुर समगिरी में मर्मन्तुत दुर्घटना गच्छरे पिटी होई 10 फुट तलक खसिला बोलेरो चारि मृत चारि गुरुतर आहतों जिला मुख्य चिकित्सालय भर्ती बलद किणी मयूरभंज आसी ऑपरेशन बेले रहीगला छुंची 5 दिन हेला असह्य जंत्रणा रे छटपट प्रसूति नयागढ़ खंडपड़ा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे अभावनीय घटना तदंत परे कार्यानुष्ठान कहले जनस्वास्थ्य अधिकारी राज्य सरकार को जानुरी कटकणा 200 लोकों को नहीं सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम 50% लोकों को नहीं खोल सिनेमा हॉल क्रीड़ा मनोरंजन को अनुमति सारा राज्य में जीरो नाइट मना चलचंचल श्रीक्षेत्र आज शेष दिन में महाप्रभु को दर्शन करुछंती पुरीवासी जनवरी पहलू दुई दिन बंद श्रीमंदिर तीन रु कोविड कटकण से सहर बाहर लोकों दर्शन अनुमति आहुरी बढ़ शीत आसंता दुई दिन भितर तीन रु 4 डिग्री ह्रास घटा संभावना प्रबल थंडा होगा नहीं 6 जिला को येलो वार्निंग जारी 7.5 डिग्री सह फुलवाणी सबुठ थंडा सहर संपूर्ण खबर को आसीबा बलांगीर जिले में एक्शन मुड रे विजिलेंस विभाग गत 3 दिन हो सरकारी बाबू को घरे चढ़ाओ चली आज पुणी पीओ बिहारी लाल बारिक घरे विजिलेंस चढ़ाओ करी बासभवन शांतिपड़ा एवं लर्कीपाली घरे रेड चली चढ़ाओ समय रे मोट केते टंकार आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल होता वर्तमान सुधा जमापड़ना परवर्त मुहूर्त में संपत्तिर आकलन किंतु वर्तमान बड़ खबर एबे भी रेड चली तीनो जगार रेड चली एककालीन जहां सूचना रही विजिलेंस चाल रे लाठोर केन्द्र समवाय समिति शाखा परिचालक सागर रणा बासभवन सहित तीनोटी स्थान में एककालीन रेड करिछि विजिलेंस टीम से भली आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग रे छंदी होई जाइछंती उक्त लाठोर केन्द्र समवाय समिति बैंक मैनेजर रबिन रणा तांको बासभवन सहित टिटलागढ़ हाईस्कल पड़ा घुंसर स्थित ससुर घर एककालीन रेड चली तीनोटी टीम बलांगीर विजिलेंस डीएसपी नेतृत्व में आसी रेड कर पुणी मातिले हाथी मयूरभंज जिला करंजिया वनखंड दुधियाणी रेंज कुंजिया गांव में हाथी उपद्रव देखा मिली गांव भितर 23 टिकिया हाथी पल प्रवेश करी व्यापक क्षयक्षति घटाई जार प्रतिवाद आज ग्रामवासी दुधियाणी रेंज सम्मुखें रास्ता रोक कर वन विभाग हाथी पल घोड़ाइबारे विफल हो ग्रामवासी भितर तीव्र असंतोष देखा मिली पांच दिन है आज पांच दिन पांच राति अनिद्रा अच्छु ना खटुचु ना खाऊ ना कौन कर मैं भूक विकट में हाँ देखती सब तो कल सब भांगी बेला ताड़ी सब भांगी एवं खावा किसी ना चाउल पत्र किसी ना आम कौन कर ए घर भांगी छन धान चाउल खाई छन छेड़ी खुकड़ा कांथी जांकी दे आ गार्ड फरेस्ट भी आसी नाई आउ निया ठेके करी बस्थिनो
हमके भी मन नहीं नहीं सेगा निया के भी मन नहीं नहीं कहीं लुको नहीं हमके घुटके ही नहीं गेने बड़े हमें डरे पड़े ही ना आओ हमने तो नीचे तो उनको चेष्टा कर जेती खत्म होना चाहिए हमें दो जो अपन अगर भी अच्छा नहीं थी अगर सरकार उसे एजेंसी डबे अपन जोड़ना तो दाबी जोड़ना तो जो खत्म होने वाला ऐसी का बढ़ा जाए परिवो तो ना जहाँ सरकारी नियम अच्छी हमें सही अनुसार जेती खत्म होना हमें यथाशीघ्र से वर्तमान आईना गोटे निर्जाशाला जो रास्ता रोक कर पंडा रेंजर अच्छे डीएफओ को भी ओवर टेलीफोन मुझे कथबार्ता है इमिडियट मैंने ट्रांसफर करूँ आदि भी सी मैंने लोक मैं एत मैं ईर्षा बढ़ी जाइए पंडा उपरे जदि भी ये ऑफिस रो बाहर कौन हम से मुझार नहीं कि एरिया ये मान साधारण लोक मैंने देखे ना बाबद्रे अधिक सूचना पाई आम सहित मो प्रतिनिधि बिंदु सार फोन लाइन ने जोड़ी होती बिंदु सार ये हूँ नीतिदिनिया घटन परिणत है स्थानीय लोक मैंने असंतोष जाहिर करते बारंबार वन विभाग को सेने कहले कौन से सुफल मिलना और तेईस टिकिया हाथीपल गाँव में पशा फसल नष्ट घरद्वार भांगा से चिंतार विषय पलटि बर्तमान स्थित को आप कमी देखुं देखु दुई तीन मस है कालीपूजा अमल रु तेईस खंडी झारखंडिया हाथी ए अंचल दुजाणी रेंज रे पशि व्यापक फसल नष्ट सहित घर द्वार भांगी देखते धान फसल जो अमल करके लोक आने रखुंत हाथी पोल आसिक घर घर मुह आई सब भांगा चेस्टा कराई गत काली रात कुंदिया ग्राम से आसिक पशिक हाथी घर भांगा सहित कांथ भांगी घर भांगी छेली कुकुड़ा आदि मृत्युबरण कर बाबद से बारंबार फोन करने सत्वे वन विभाग कर्णपात करोग कर ओके बिंदु सर वर्तमान परिस्थिति रे रास्ता को ओल्लाई रास्ता रोक कर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे कि वन विभाग प्रतिक्रिया वर्तमान समय कौन आ हाँ बर्तमान से एसीएफ आसिक पहुंची एसीएफ आसिक गाँ लोक सहित कथबार्ता कर तहसिलदार को डाकि आर आई को डाकि घटना परिदर्शन करती से प्रतिश्रुति से आज भितर से घर केमती तैयारी आरंभ करेंगे हाथी लोकंर दाबी थी जे हाथी जाक आज घोड़े दिंतु किंतु आज डीएफ आसएफ से आलोचना करती सुधा से हाथी पल को घोड़े निश्चय राति सुधा हाथी पल को घोड़े एवं बिंदु सार जदि आम देखा केवल धन संपत्तिर कथा आसुनी एटी जीवन मध्य बाजी लगी जितेबले हाथी उपद्रव करुवा अंचल लोक मैंने रास्त जावा करने विलंबित राति में भय कर तो आर गोटे परमानेंट सल्यूशन निष्कर्ष बाहर आवश्यकता रही एक कथे गंभीरतार सहित बा गुरुतर हिसाब से प्रशासन ग्रहण करुवा देखा पाती प्रशासन को तो बारंबार कहुच किंतु हाथी माने इमती जो गोटे जंतु सी तार बास्नार दूर दूरा जाए और बास्ना पाई से आए झारखंड अंचल जत सब जंगल नष्ट जंगल जत सरीगला से बाध्य मयूरभ जिला झारखंड लगी मयूरभ जिला तेनाली मयूरभ जिला को आसिक जंगल रोचे राति घर भांगुंट धान खाऊ फसल नष्ट कर बहुत बहुत धन्यवाद करंजिया प्रतिनिधि बिंदु सार रही थे जी आमको अधिक सूचना दौले यार निष्कर्ष बाहर करने वन विभाग चेष्टा कर राति सुधा हाथी को घोड़े दिजिव जो तेईस टिकिया हाथीपल गाँव में उपद्रव मचाई ताकि ग्रामवासी भितर उत्तेजना देखा मिली से रास्ता को ओल्लाई जो सूचना आप शुणुते बकिया दरमा दाबी सफे कर्मचारी धारणा बांकी एनएससी सम्मुखें तीन मस दरमा दाबी धारणा देते सफे कर्मचारी तीन मस हो दरमा मिल न दुर्दशा दे गति करते सफे कर्मचारी कोरोना भली संकट समय जीवन को खातिर नक काम कर दरमा मिलना जार प्रतिवाद से धारणा दे तीन मस दरमा देना जहाँ कहले कौन कौन तुम ठिकादार कह तापर आमको कथ दिगला तीन मस दरमा तुमको अठाई अंतरीश तारिख में दिहब ता भी शुणिले ना तो कलेक्टर पाखक आम आप्लिकेसन नहीं गलु से कहले आमको मीटिंग रे आम पास कले तुम कथा बुझू पुणी कौन कौन ना आमर ग्रांट्रे पैसा ना तुमको पैसा देवाई सरकार दरमा दे आम तुमको दरमा देव सरकार केमको दरमा देवे आम कम करूँ केमी कम कर आमको तीन मस दरमा दौना से आम कार्य बंद कर ऑफिसर मानक जनाई कौन दौना से कहना कौन आज कल पंद्रह षोह आसिक तीन मस कौन आम जो दोकान भी डाली चाउल बाकी खाऊ सी भी तड़ी दौरान किए दे आमको आम तो दिन मजूरी लगे आम पिला संसार पार्टी के दबू आम के असुविधार सम्मुखीन करूच तथा किसी साहय करना तो पिला तीन मसा दरमा पाई कि कंट्राक्टर आमको एपर्त देनी कि कंट्राक्टर पेमेंट नहीं
ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଦରମା ଦରକାର, ଯେହେତୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ବାଡ଼ିରୁ ସବୁ ସଉଦା ପତ୍ର ଖାଇଛନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଦୋକାନୀ ଡାକୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ? ଦାବି ରଖିଛୁ ଆମେ, ଆମେ ପଇସା ପାଇଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରିବୁ। नवनिर्माण कृषक संगठन पक्षर् स्थानीय बालगोपाल मंदिर प्रांगण में एक सांबादिक सम्मेलनी अनुष्ठित होइछि। चासी मानकु धानर 5% रु 8% पर्यंत कटनी छटनी करा जाउछि, जहाकु नवनिर्माण कृषक संगठन पक्षर् विरोध करा जाइछि। सेभली चासी मानकु अखा दिया जाउ नाही, मिल पास माध्यम रे चासी मानकु अखा दिया जाउ नाही। तेबे चासी माने प्रश्न कले, चासी निजे अखा जोगाड़ करंतु बोली कहउछन्ति। ए अखा बाबत को चासी को टंका मध्य मिलु नाही बोली अभिजोग आछि। नवनिर्माण कृषक संगठन ए अभिजोग आनिछि, चासी समस्या समाधान करा नगले आगामी दिन रे चासी माने सीएसओ ऑफिस घेराव करिवे बोली चेतावनी देइछन्ति। दाबी रहिछि कटिंग आगे उठा जाउ, कटिंग हेइ परिबो नै तापर जो कथा जीरो कटिंग रखे धान उठा जाओ, तापर संगठन राखो चाष के डाक बस कथ हूँ तापर जाए जहाँ जदि न हुए आम रास्ता को ओल्लब कि कौन कर आईन अमान्य निश्चय हम कौटे कौ जगार केमी कौन हम संगठन डिसीजन नब एट मोर डिसीजन नुह संगठन जहाँ डिसीजन नब से समस्त एकमत। भद्रक नकली जर्दा जबत, पेट्रोलिंग समय विपुल परिमाण नकली जर्दा सहित दुईट गाड़ी को जबत कर भद्रक टाउन थाना पुलिस। तेज ए घटन पुलिस दुईज को अटक रखी पचराउचरा कर पटना साहि नकली जर्दा नहीं जिला बाहर को जाता बेले पुलिस गाड़ी दुईट को जबत कर जबत जर्दार आनुमानिक मूल्य 50,000 टकर अधिक होगापड़ी। खलिस्तान आतंकवादी को धरिपारे भारतीय सुरक्षा एजेंसी को आउ एक सफलता, पंजाब रो मोस्ट वांटेड तथा खलिस्तान आतंकवादी सुख बिक्रीवाल धरा पड़ी। दुबई रो ताकु सुरक्षा सहित भारत अणा जाइथिबा सूचना मिली। सुख बिक्रीवाल पाकिस्तान रो गोइंदा एजेंसी आईएसआई रो इशारा रे पंजाब रे हत्याकांड घटाउथिला। पंजाब रो शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंधु को हत्याकांड रे सुख बिक्रीवाल रो हाथ रही छड़ा पंजाब रो नाभारे जेल भंगा घटन तार रही संप्रुक्ति। एवं भारतीय एजेंसी द्वारा धरा पड़ा पर अधिक पचराउचरा सहित पंजाब रे खलिस्तानी लिंक समेत अन्य टार्गेट किलिंग सहित जड़ित मामला उपरे पचराउचरा सूचना रही। एक अभावनीय घटना उपरे नजर पकाइबा, गच्छरे झुलुछि प्रेमी जुगलंक मृतदेह। मालकानगिरी जिला सदर महकुमा जबरदस्त कॉलोनीर एक गच्छरु युवक एवं युवतींकर मृतदेह उद्धार करा जाइछि। उभयंक मृतदेह एक गामुछारे बंधा होइतिबा देखिबाकु मिलिथिला। उभय प्रेमी जुगल बोली अनुमान करा जाउछि। सकाळु स्थानीय लोक मृतदेह देखि पुलिस को खबर देथिले। तेबे मृतक युवती स्थानीय अंचलर सरी सरकार एवं युवक MV9 गाँवर भिकी सिकार बोली जनापड़ी। उभय स्थानीय अंचल रे थिबा एक मंदिर रे प्रेम विवाह करिबा परे आत्महत्या करिथिबा अनुमान करा जाउछि। एहा हत्या ना आत्महत्या ताहा वर्तमान सुधा स्पष्ट होइ नाही। पुलिस घटनार छानबीन आरंभ करिछि। केन्दुझर जिले में मर्मन्तुत सड़क दुर्घटना, गच्छरे पिटी होई 10 फुट तल को खसिला बोलेरो, फलरे 4 जन मृत्यु होता बेले 4 जन गुरुतर भाव में आहत होती। पंडपड़ा थाना सोमगिरी निकट में घटी जाइछि दुर्घटना। समस्त आहत को उद्धार करी केन्दुझर मेडिकल भर्ती करा जाइछि। मृतक माने मयूरभंज जिला हाटबादला चेंटपसीर बोली जनापड़ी। बलद किणवाक एमाने केन्दुझर आसीथिबा बेले विलंबित राति रे दुर्घटना घटी जाइछि। ड्राइवर रो आखि लागी जाइथिला, जोथि पई बोलेरो भारसाम्य हराई गच्छरे पिटी होइथिला। राति 4टा बेले 4 जन पेसेंट आसिले, सेथिमध्यरु 2 जन अति गुरुतर अछन्ति, आउ 2 जन माइनर इंजुरी, एवं एबे 5:30 बेले आउ 4 जन डेड बॉडी 4 जनकर डेड बॉडी आसीछि। एतिके राति केतेबेले हेइछि त मु कहि परिबिनि, से जहाँ आमे जानलु एतिकरु जे एबे आसछन्ति। ए बदलारु एइ पिठागड़ा बोलेरो रे जाउथुनु, तापरे केमती ड्राइवरटा निद आसीगला, टिके आखिटा निभाइदेला, गाड़ीटा उलिगला। आपर आम लोक के आम तो किसी सेमती जाणी नहीं पार्नुँ, टाणी टुणा बाहर करनी
ସେମାନେ ବି ଫେରାର କିଆଡ଼େ କିଆଡ଼େ ଡ୍ରାଇଭର ବି ଫେରାର ହେଇଗଲେ ସେଠେ ବଳଦ ଆଣୁ ସେଠେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁ ସକାଳେ ପଡ଼େଇଥୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତାରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ଟ୍ରକ୍, ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲ୍ପର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟରୁ ବୋରିଗୁମା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ମାନବଡ଼ ଛକଠାରେ ଘଟିଯାଇଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତେନ୍ତୁଳି ବୋଝେଇ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଖବର ପାଇବା ପରେ କୋରାପୁଟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲ୍ପରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ନିକଟସ୍ଥ ଏସ୍ଏଲ୍ଏନ୍ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବେଳେ ରହିଗଲା ଛୁଞ୍ଚି, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହୋଇଯିବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ପ୍ରସୂତି। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରୁ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଥାନା ଗୋଛାବରୀ ଗାଁର ପ୍ରଭାତ ବାହୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଲତା ବାହୁକ। ତେବେ ଗତ 25 ତାରିଖରେ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପରିସ୍ରା ଦ୍ୱାରରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଛୁଞ୍ଚି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ସେଠାରେ ଲତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। ଇତିଭିତରେ ପ୍ରସବର 5 ଦିନ ବିତିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଲତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଛୁଞ୍ଚି ବାହାର କରିବାରେ ଅସଫଳ ହେବାରୁ 5 ଦିନ ହୋଇଯିବ ମେଡିକାଲରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ପ୍ରସୂତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରସୂତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ତା ସହିତ କେଉଁ କାରଣରୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ଦେହରେ ଛୁଞ୍ଚି ରହିଲା, ଏ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଡେଲିଭରି ହେଲା ପରେ ଛୋଟ ଅପରେସନ୍ ଯେଉଁ ହେଲା ସେଥିରେ ଛୁଞ୍ଚି ରହିଯାଇଛି, ଏକ୍ସରେ କଲାରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ଡେଲିଭରି? ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ମେଡିକାଲରେ। ଏବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ତ ଛୁଞ୍ଚି ବାହାରିଲାନି, ତ ପେନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ, ଛୁଆକୁ ବି ଖୁଆଇବାକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେ ବୋଧେ ସୋମବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ହେଇନି, ମଙ୍ଗଳବାର ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ତ ଆଜି ତାକୁ ରେଫର୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କାଢ଼ିପାରିନାହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ହେଇପାରିନି, ତ ତାକୁ MRI କରିକି ଦେଖିବେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତ ତାକୁ ବାହାର କରିବେ ତାପରେ। ଆଉ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ଥାନା ପାଚେର ଗାଁରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏ ଘଟଣା। ଗୁପାଚେର ଗାଁର ଶିବ ନାୟକ 150,000 ଧରି ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଛଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ନିଛାଟିଆ ଜାଗା ଦେଖି କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଥିଲେ, ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଶିବଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ, ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପରିବାର ଲୋକ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଶିବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଟନାଙ୍କ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଖପ୍ରାଖୋଲ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଗୋଠଛଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିବା କୁନି ହାତୀକୁ କପିଳାସକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। PCCF ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ଚିଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପରେ ଆଜି ସକାଳେ କୁନି ହାତୀକୁ କପିଳାସ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଏ ଖବର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହାତୀଟି ଗୋଠଛଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଠରେ ମିଶାଇ ନଥିଲେ ହାତୀ ପଲ ଏବଂ ସେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା, କପିଳାସକୁ କୁନି ହାତୀକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। PCCF ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ଚିଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପରେ ଆଜି ସକାଳେ କୁନି ହାତୀକୁ କପିଳାସକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର, କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି? ସୁଧୀର ଲଗ୍ନା, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁନି ହାତୀ କପିଳାସ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ PCCF ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ଚିଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯେମିତିକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନ ବିଭାଗକୁ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତରେ ପହଞ୍ଚିବ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ମଣିଷ ଛୁଆ ହୋଇଗଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହାତୀ ପଲ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଭେଟନାରୀ ଡକ୍ଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସିତ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତାର ମା ତାକୁ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଯେ ବନ ବିଭାଗ
କେମିତି ତାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖିଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ସେ ଛୁଆ ହାତୀଟି ଛୁଆ ହାତୀଟିକୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯତ୍ନରେ ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା କଥା ହିଁ ମାନୁଛି। ପୀତାମ୍ବର କିନ୍ତୁ ଇଏ ଇଏ ପୁରା ଘଟଣାରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ତାକୁ କପିଳାସ ପହଞ୍ଚା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗିତା ରହିଥିଲା। ହାତୀ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ ହାତୀକୁ, ଏ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣ ଯେମିତିକି କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କୁନି ହାତୀଟି ପାଣି ଭିତରେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ସେ ଅଧିକ ପାଣି ଭିତରକୁ ଗଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାକୁ କୌଶଳ କ୍ରମେ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କେମିତି ତାର ମା ସହିତ ଭେଟ କରାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତା ମା ଗ୍ରହଣ କଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ହାତୀ ପଲ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ କୁନି ହାତୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମା ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ଦିନ ତମାମ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୁନି ହାତୀଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଠିକ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗିତା ରହିଥିଲା, ଯାହାର ଫଳରେ କୁନି ହାତୀଟିକୁ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ଗାଡ଼ିରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା, କପିଳାସକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି କୁନି ହାତୀକୁ, ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗିତା ରହିଥିଲା, ହାତୀ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ହାତୀ ପଲ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ମଧ୍ୟ କପିଳାସକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି କୁନି ହାତୀକୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ ପୀତାମ୍ବର। ଗୁଜରାଟ ରାଜକୋଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏମ୍ସ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। अप्रत्यक्ष रोजगार भी यहाँ बनेंगे, और हमने देखा है कि जहाँ बड़ा अस्पताल होता है तो उसके बाहर एक छोटा शहर ही बस जाता है। भाइयों और बहनों, मेडिकल सेक्टर में गुजरात की इस सफलता के पीछे दो दशकों का अनवरत प्रयास है, समर्पण और संकल्प है। बीते छह सालों में पूरे देश में जिस इलाज और मेडिकल एजुकेशन को लेकर जिस स्केल पर काम हुआ है उसका निश्चित लाभ गुजरात को भी मिल रहा है। साथियों, बड़े अस्पतालों की स्थिति, उन पर दबाव से आप भी भलीभांति परिचित हैं। स्थिति ये थी कि आजादी के इतने दशकों के बाद भी सिर्फ छह एम्स ही बन पाए थे। 2003 में अटल जी की सरकार ने छह और एम्स बनाने के लिए कदम उठाए थे, उनके बनाते बनाते 2012 आ गया था, यानी 9 साल लग गए थे। बीते छह सालों में 10 नए एम्स बनाने पर काम शुरू कर चुके हैं, जिनमें से कई आज पूरी तरह से काम शुरू कर चुके हैं। एम्स के साथ साथ देश में 20 एम्स जैसे ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का निर्माण भी किया जा रहा है। साथियों, साल 2014 से पहले हमारा हेल्थ सेक्टर अलग अलग दिशा में अलग अलग अप्रोच के साथ काम कर रहा था। प्राइमरी हेल्थ केयर का अपना सिस्टम था, गांवों में सुविधाएं न के बराबर थी। हमने हेल्थ सेक्टर में हॉस्पिटल होलिस्टिक तरीके से काम करना शुरू किया। हमने जहां एक तरफ प्रिवेंटिव केयर पर बल दिया, वहीं इलाज की आधुनिक सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी। हमने जहां गरीब का इलाज पर होने वाला खर्च कम किया, वहीं इस बात पर भी जोर दिया कि डॉक्टरों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो। साथियों, आयुष्मान भारत योजना के तहत देश भर के दूरदराज के इलाकों में लगभग 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के लिए काम तेजी से चल रहा है। अभी तक इनमें से
50,000 सेंटर सेवा देना शुरू भी कर चुके हैं। लगभग 5,000 गुजरात में ही हैं। इस योजना से अब तक देश के करीब 1.5 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। इस योजना ने गरीब भाई बहनों की कितनी बड़ी मदद की है, इसके लिए एक आंकड़ा मैं देश को बताना चाहता हूं। साथियों, आयुष्मान भारत योजना से गरीबों के लगभग 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बचे हैं। 30,000 करोड़ रुपए, ये बहुत बड़ा रकम है। आप सोचिए, इस योजना ने गरीबों को कितनी बड़ी आर्थिक चिंता से मुक्त किया है। कैंसर हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, किडनी की परेशानी हो, अनेकों गंभीर बीमारियों का इलाज मेरे देश के गरीबों ने मुफ्त कराया है, और वो भी अच्छी अस्पतालों में। साथियों, बीमारी के दौरान गरीबों का एक और साथी है जन औषधि केंद्र। देश में लगभग 7,000 जन औषधि केंद्र गरीबों को बहुत ही कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं। इन जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां करीब करीब 90% तक सस्ती होती हैं, यानी 100 रुपये की दवाई 10 रुपये में मिलती है। 3.5 लाख से ज्यादा गरीब मरीज हर रोज इन जन औषधि केंद्रों का लाभ ले रहे हैं, और इन केंद्रों की सस्ती दवाइयों की वजह से गरीबों के हर साल औसतन एवरेज 3600 करोड़ रुपए खर्च होने से बच रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मदद हो रही है। वैसे कुछ लोगों के मन में सवाल उठ सकता है कि आखिर सरकार इलाज का खर्च कम करने, दवाइयों पर होने वाले खर्च को कम करने पर इतना जोर क्यों दे रही है। साथियों, हम में से अधिकांश उसी पृष्ठभूमि से निकले लोग हैं। गरीब और मध्यम वर्ग में इलाज का खर्च हमेशा से बहुत बड़ी चिंता रहा है। जब किसी गरीब को गंभीर बीमारी होती है तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा होती है कि वो अपना इलाज कराए ही नहीं। इलाज के लिए पैसे ना होना, घर के अन्य खर्च, अपनी जिम्मेदारियों की चिंता, व्यक्ति के व्यवहार में ये बदलाव ला ही देती है। और हमने देखा है, जब गरीब बीमार हो जाता है, पैसे नहीं होते हैं, तो क्या करता है? दोरे धागे की दुनिया में चला जाता है, पूजा पाठ की दुनिया में चला जाता है। उसको लगता है शायद वहीं से बच जाऊंगा, लेकिन वो इसलिए जाता है। हम ये न कहें कि वो अंधश्रद्धा है, वो इसलिए जाता है कि उसके पास सही जगह पर जाने के लिए पैसे नहीं है, गरीबी उसको परेशान कर रही है। साथियों, हमने ये भी देखा है कि जो व्यवहार पैसे की कमी की वजह से बदल जाता है, वही व्यवहार जब गरीब के पास एक सुरक्षा कवच होता है तो वे एक आत्मविश्वास में बदल जाता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों का इलाज, लोगों की इस चिंता, इस व्यवहार को बदलने में सफल रहा है, जिसमें वो पैसे की कमी की वजह से अपना इलाज कराने अस्पताल जाते ही नहीं थे। और कभी कभी तो मैंने देखा है
कि घर के जो बुजुर्ग हैं, ज्यादा बुजुर्ग नहीं, 45-50 साल की आयु, बड़े व्यक्ति, वे इसलिए बीमार दवाई नहीं कराते, वो कहते कर्ज हो जाएगा तो सारा कर्ज बच्चों को देना पड़ेगा और बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। बच्चों की जिंदगी बर्बाद न हो इसलिए कई माँ बाप जीवन भर दर्द झेलते हैं और दर्द में ही मरते हैं, क्योंकि कर्ज ना हो, दर्द झेले लेकिन बच्चों के नसीब में कर्ज ना आए, इसलिए वो ट्रीटमेंट नहीं कराते। खास पर यह भी सही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जाने की तो गरीब पहले कभी सोच ही नहीं पाता था। आयुष्मान भारत के बाद अब यह भी बदल रहा है। साथियों, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा का एहसास, इलाज के लिए पैसे की उतनी चिंता का न होना, इसने समाज की सोच को बदल दिया है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। आज हेल्थ और वेलनेस को लेकर एक सतर्कता आई है, गंभीरता आई है, और ये सिर्फ शहरों में हो रहा है ऐसा नहीं है, अब दूसरे देश के गांवों में भी, अब ये दूर सुदूर हमारे देश के गांवों में भी ये जागरूकता हम देख रहे हैं। व्यवहार में परिवर्तन के ऐसे उदाहरण अन्य क्षेत्रों में भी नजर आ रहे हैं, जैसे शौचालयों की उपलब्धता से लोगों को स्वच्छता के लिए और जागरूक किया है। हर घर जल अभियान लोगों को स्वच्छ पानी सुनिश्चित कर रहा है, पानी से होने वाली बीमारियों को कम कर रहा है। रसोई में गैस पहुंचने के बाद न सिर्फ हमारी बहन बेटियों का स्वास्थ्य सुधर रहा है, बल्कि पूरे परिवार में एक सकारात्मकता की सोच आई है। ऐसे ही प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के गर्भवती महिलाओं को रेगुलर चेक आपके लिए प्रोत्साहित किया है, और चेकअप के कारण उनको पहले से गंभीरता की तरफ इंगित कर दिया जाता है। इसका लाभ ये हो रहा है कि गर्भावस्था के दौरान जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं वो जल्दी पकड़ में आते हैं और उनका समय पर इलाज भी होता है। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त पोषण मिले, देखभाल मिले। पोषण अभियान ने भी उनमें जागरूकता बढ़ाई है। इन सारे प्रयासों का एक बहुत बड़ा लाभ ये मिला है कि देश में मैटरनल मोर्टालिटी रेट, माता मृत्यु दर, पहले के मुकाबले काफी कम हो रहा है। साथियों, सिर्फ आउटकम पर परिणाम पर ही फोकस करना काफी नहीं होता है, इंपैक्ट महत्वपूर्ण है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं समझता हूं कि व्यवहार में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए हमें सबसे पहले प्रोसेस, प्रक्रिया में सुधार करना आवश्यक होता है। बीते वर्षों में देश ने इस पर बहुत जोर दिया गया है। इसका नतीजा यह है, हम देख रहे हैं कि देश के हेल्थ सेक्टर में जहां जमीनी स्तर पर बदलाव आ रहा है और लोगों को जो सबसे बड़ी चीज मिली है वो है एक्सेस, स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच। और मैं स्वास्थ्य और शिक्षा के एक्सपर्ट से आज ये भी आग्रह करूंगा कि वो सरकार की इन योजनाओं का बेटियों की एजुकेशन पर जो प्रभाव पड़ा है उसका जरूर अध्ययन करें। ये योजनाएं, ये जागरूकता एक बड़ी वजह है जो स्कूलों में बेटियों की ड्रॉपआउट रेट में कमी ला रही है। साथियों,
देश में मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी मिशन मोड पर काम चल रहा है।